आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। क्यों केबीसी के सेट पे अमिताभ बच्चन जी पानी नहीं पीते हैं, ये खुद ही उन्होंने खुलासा किया है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअली इसके पीछे की क्या वजह है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। केबीसी 11 कौन बनेगा करोड़पति, एक्चुअली अभी इसका फाइनली सीजन शुरू हो चुका है, वीक शुरू हो चुका है, क्योंकि 29 नवंबर को इसका लास्ट एपिसोड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और उसी के साथ आप लोगों को सबको पता है कि अमिताभ बच्चन जी कितने अलग है और सब ऑडियंस के साथ कितने अच्छे से बात करते रहते हैं, चाहे वो ऑन कैमरा हो चाहे वो ऑफ कैमरा हो। इस दौरान ही वहां पर एक कंटेस्टेंट आए और हॉट सीट पे बैठे और उस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन जी ने एक्चुअली अपने पिताजी की भी कुछ बातें बोली और उसी के साथ उनको पानी के लिए पूछा। और जब उनको पानी के लिए पूछा तब उन्होंने बोला कि पानी पी लीजिए, तो फिर उसके बाद ऑडियंस को कहते हुए नजर आए कि मैं आप लोगों को नहीं पूछ सकता, नहीं तो सब लोगों को पानी देना पड़ेगा और वैसे भी मैं खुद यहाँ पर सेट पे पानी नहीं पीता हूँ। ये चीज बोलते हुए सब लोग काफी ज्यादा हंसने लग गए और उस दौरान उन्होंने अपने पिताजी से जुड़ी हुई एक बात खोली। उन्होंने ये चीज बोला कि जब मैं छोटा सा था मेरे पिताजी काफी ज्यादा लेट आते थे घर पे और उस वक्त मैं ही उनके लिए डोर ओपन करता था और मैं हमेशा ही जिद करता था कि वो ये वाली जॉब छोड़ दे और वो घर लेट ना आया करे क्योंकि वो उनको काफी ज्यादा मिस करते हैं। तो इसीलिए फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन जी खुद ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने पैर रखा और उनका भी यही काम हो गया, रात को लेट आना। तो उस वक्त उनके पिताजी डोर खोलते थे और जब पिताजी डोर खोलते थे तब उनका भी ऐसा ही जो नेचर था वैसा बन गया, जबकि बचपन में अमिताभ बच्चन जी का था और उसके बाद उनके पिताजी का बन गया। वो क्या था कि वो अभी ये जॉब छोड़ दे क्योंकि अभी वो लेट आते हैं और वो उनको काफी ज्यादा मिस करते हैं और फिक्र भी काफी ज्यादा होती है। ये चीज सुनते हुए ये बाप बेटे का प्यार भी वहां पर नजर आया और अमिताभ बच्चन जी अपने पिताजी को मिस करते हुए भी नजर आए। पर अभी आप लोगों को ये दुख का माहौल छाया हुआ कि 29 नवंबर को ये एपिसोड एकदम खत्म हो जाएगा और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने इतने टाइम से इस शो को संभाल के रखा है, उनका अलग अलग अंदाज है, जैसे कि कंप्यूटर को कंप्यूटर जी कहना और घड़ी को घड़ी मान कहना, ये जो उनके अंदाज है ये काफी ज्यादा अनोखे लगते हैं और शायद ही कोई उनके जैसा कोई ऐसा केबीसी को संभाल पाए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स आए हैं जो कि केबीसी को संभालने के लिए, पर इतनी ज्यादा टीआरपी नहीं बढ़ी है जितनी ज्यादा जब अमिताभ बच्चन जी अपना पैर रखते हैं उस स्टेज पे तब लोग अपना टीवी ऑन कर लेते हैं कि अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, केबीसी शो आ रहा है, अभी रिमोट ऑन होना चाहिए, अभी टीवी ऑन होना चाहिए, उनका अंदाज ही कुछ अलग है। तो गाइस आप ही बताइए आपको केबीसी कितना ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में, और अमिताभ बच्चन जी के अगर आप फैन हैं तो अमिताभ बच्चन जी करके कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।